है मीठा खाने, मीठा तो बहुत जरूरी होता है क्योंकि बात ही मीठी है। तो बात क्या है वो आपको मीठे के बाद बताती हूँ, चले मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका तमीज वर्ल्ड में। एक और दिन, एक और नया व्लॉग, बल्कि अब तो रात हो रही है और जो है वो बेगम जो है वो सुबह की गई हुई है, वापस आई है और जो है वो क्या कहते हैं उसको, हमें सरप्राइज देने के चक्कर में सबको सरप्राइज दे रही हैं। तो सबसे पहले तो आपको इनकी लुक दिखाते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये मिले हमसे नई लुक के साथ तमीज वर्ल्ड में। क्या हाल है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपके साथ कॉमेडी ये मार रही है कि बस आज बेगम चली गई हैं बाल डाई करवाने के लिए, इन्होंने मुझे बोला था। और अभी मेरा वन कोट हुआ है और उन्होंने कहा है कि मतलब मेरे बाल डैमेज ना हो जाएं, जिसकी वजह से नेक्स्ट टू डेज़ के बाद जो है ना वो दोबारा इसको एक दफ़ा एक और मतलब टाइम कलर लगाएंगे। तो फिर ये एक एग्जैक्ट लुक आ रही है कि मैंने करवाया एश ब्लॉन्ड। तो हसन को पसंद आ गए? हमें तो हर हाल में पसंद है, ये अच्छा लगे ना लगे हमें तो अच्छी लगती नहीं है। तुम तो पर्पल मांग रहे हो ना। हाँ, लेकिन कलर मेरी चॉइस का नहीं करवाया, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो बाकी आप लोग भी बता दें इन्हें। नहीं, मैं भी लाइट की वजह से भी आपको फील ना हो रहा हो, लेकिन मैंने एश ब्राउन करवाया है और जबकि वन टोन एक दफ़ा और होगी तो वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा चले फिर मैं भी अपनी लुक चेंज करूँ, क्योंकि लुक चेंज करते रहना चाहिए। मैं आज आपके लिए एक बिग सरप्राइज़ है जो कि मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगी कि आज मैं क्यों और किस लिए और कहाँ खाने पे जा रही हूँ। कौन सा ड्रेस पहना है? किटी। किटी और उरम के हेयर भी सेम एग्जैक्टली किटी की तरह बन गए हैं ना उरम। इतनी दुनिया कहाँ से आ गई है यहाँ पर? तकरीबन कोई 10 मिनट घूमे हैं, फिर एक बंदा निकल रहा था, उसमें भी 3 गाड़ियाँ खड़ी थी, हम लोगों ने ज़बरदस्ती स्क्रीजिंग कर दी। ये थाई, जैपनीज, कोरियन सारे मिक्स हैं यहाँ पे, देसी सिर्फ एक रेस्टोरेंट उनके बीच में फंसा हुआ है। जो एक प्यारा सा नज़र आ रहा है ना बारबेक्यू टू राइट, ये देसी है, बाकी यहाँ सारा चाइनीज और कोरियन देख सकते हैं। ये सिर्फ रेस्टोरेंट और ये बुक शॉप है, उसके बाहर रश है। कितनी यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं सिर्फ और सिर्फ बेकरी पे, ये फूड नहीं है, जस्ट स्वीट डिज़र्ट्स की शॉप है। हुरम की आंखें जो है ना, हुरम की आंखें खोल गई हैं। हुरम 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 फौरन उठ गई है। टीम्स हैं इसमें से आप डॉलर टू डॉलर डालें और निकालें चीज़ें। लोगों का पाकिस्तानी बच्चों का फेवरेट डोरेमोन, डोरेमोन भी यहाँ मिल रहा है। कैप्टन ले सकते हो $10 का। ओ माय गॉड, ये तो बड़ा महंगा है। एक $10 का फिगर है तो बताओ ये सारे कितने के होंगे? ऑलमोस्ट $200। देखिए बच्चों के साथ जो है मामा का भी जो है ना वो फुल टाइम जो है वो दिमाग खराब हो गया। ये वही टिकटॉक वायरल चीज़ें हैं जो टिकटॉक में दिखाते हैं, ये वो चीज़ें हैं सारी। देखें हसन की लक, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करो हसन। हाँ वैसे यहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए, लेकिन वो सली से देखेंगे। तो हसन कुछ भी उसे निकाल दो। तो हुरम को अब हसन ये ट्राई करके दे रही हैं, लेट्स सी हसन निकालते हैं कि नहीं। हसन तुमसे तो अच्छा मैं कर लेती। नहीं जी, पहले तो था कि नाकामी के बाद, तो ये दोबारा आ गई है दोबारा कॉइन लेके। अब क्या हुआ? मिल गया थ्री लेके आई बार जो मैंने अभी बच्चे के लिए खर्च किया। अब तैबा करेगी, पहले मुझे बड़े ताने दिए, अब देखते हैं तैबा क्या करती है। पिंक वाले के लिए जा रहा हूँ, देखो वो देख उन्हें घुमा दिया एंड टाइम पे। हाँ तुम बिल्कुल लूजर हो, फिर मेरी बेटी के नहीं जी। वहाँ $5 लगा दिए और उन्होंने चक्कर ये किया हुआ कि जब हम लोगों ने सेकंड टाइम जो थर्ड ट्राई की है उसमें उसने ग्रिप तो किया, लेकिन उसने छोड़ देते हैं, उससे पहले ही छोड़ दिया उसको। रोडियां मारी और जो है वो मेरी बेगम इस वक्त बहुत उदास हैं क्योंकि उनकी बच्ची को नहीं मिल सका। तो अब ये है कि चलें खाना खा के फिर दोबारा ताकत ले के आके दोबारा फिर कोशिश करते हैं। तो फिर आपको बाकी डिटेल देते हैं। ऐसा तुम शुरू भी हो गए हो? प्राइस का ना खाने के बाद हम लोग आए हैं मीठा खाने। मीठा तो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बात ही मीठी है। तो बात क्या है वो आपको मीठे के बाद बताती हूँ, चले मेरे साथ। तुम्हारा तो वीडियो शुरू हो गया।
जब तुम छुप के काम करती हो ना तो मुझे फिर वो बताना पड़ता है कि अब ये इन्होंने क्या काम पकड़ा हुआ है, खुद ही खाना है खुद ही पीना है। आज का जो हमारा सरप्राइज था वो होने लगा है ओपन, हम उसको रिवील करने लगे हैं और वो रिवील करने लगे हैं कि जी अम्मी ने और अब्बू ने आज कल उन्होंने न्यू कार ली है, न्यू कार में उन्होंने ली है न्यू ग्रैंड हाईलैंडर। आई थिंक वो अभी यहाँ पे आई, पाकिस्तान में शायद नहीं आई ना सर, पाकिस्तान में अभी वो नहीं आई, अभी 2024 में लॉन्च हुई है लेकिन हम लोगों को 31st से पहले मिल गई है क्योंकि अम्मी अब्बू को गिफ्ट एज अ गिफ्ट के तौर पर खुश करना था, ली तो उन्होंने खुद है तो इसी पर्पज़ के लिए कल वो आई है, तो उन्होंने हम लोगों को सब पूरी फैमिली को जो है वो डिनर पे लेके आई है क्योंकि एक छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। तो मैंने कहा चले मैं आपको मैं दिखाती हूँ कि एक्चुअली ग्रैंड हाईलैंडर है क्या, थोड़ी सी मे बी अभी तो मुझे उसके फीचर्स का नहीं पता, काफ़ी कुछ मे बी डिफरेंस हो जो कि हसन जब चलाएंगे इंशाल्लाह तो हसन आपको इसकी डिटेल देंगे कि क्या क्या इसमें है और क्या क्या हम लोगों को क्यों ग्रैंड कहा जाता है। बच्चों गाड़ी कैसी लगी? बहुत अच्छी। किसकी है ये कार? मामू की। नानो की। किसकी कार है? नानो। बच्चे जो है गाड़ी की निस्त मार रहे हैं अंदर बैठ के, हानिया का फोटोशूट चल रहा है, हानिया का लाइक पहले वाली हाईलैंडर से इसकी लुक चेंज की गई है ना सर, तो ये इसकी फ्रंट लुक है और मैं आपको इसकी बैक लुक दिखाती हूँ। ये है इसकी बैक लुक, ये देखें ग्रैंड हाईलैंडर। तो इधर मेरे हस्बैंड जो है मुझे देख रहे हैं, मुझे कुछ तो देख रहे हो, तुम्हारी से कहानी है देख रहे। मैं गाड़ी की मॉडल नहीं हूँ लेकिन गाड़ी दिखा तो सकती हूँ ना। तो हम लोग फारिग होके सारा घूम घुमा के घर आ गए हैं, तो मैंने इसी आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि कल मैंने जो चीज़ें लिखी थी मैंने उसको आपको दिखाना था। गैप से खुरम की इसको क्या बोलते हैं, मॉम जीन है ये, इसको मॉम जीन बोलते हैं, मैंने खुरम की मॉम जीन लिया और यहाँ पे आजकल मॉम जीन का बहुत फैशन चल रहा है। एक खुरम ने पहन लिया था ड्रेस और हानिया ने भी अपनी जीन्स जो है पिक्चर ऊपर लिखी थी आप, तो हानिया हानिया मेट्रोइज लेके आई थी मॉम जी शर्ट के ऊपर लिखी थी और एक मैंने उरम का ये बहुत प्यारा सा कॉटरे का ब्लैक फ्रॉक है ये लिया था। कार्टर से मैंने ये थिक वाली जो है टाइट्स, जैसे कि थिक बोलते हैं जिस तरह की वॉर्म टाइट्स होती हैं, ये मैंने एक ये ली उरम के लिए, एक मैंने ये ली उरम के लिए और ऐसी और ब्लू और वो हानिया की भी ली, राइट ऐसी और ब्लू है ना हानिया की भी ली। वो हानिया को बहुत जल्दी होती है, हानिया जो है वो रात को ही जो है ना पिछले कार के ऊपर लगी थी, इसको बेचैनी लगी हुई थी कि मैं अपनी वार्डरोब में रख दूँ। और ये देखें ये भी बहुत प्यारी जो 3D लुक में ना प्रिंसेस शर्ट आई है, स्वेट शर्ट, ये देखें जी मेरे हबी मेरे हबी साहब जो है ना वो अपनी शर्ट निकाल के पहन चुके, आज तो मैं इसी एक्सपो की शर्ट पहनी हुई थी ना, इसमें जो जो कल आयो है ना हसन, हाँ। जो हसन कल है उसमें से हसन ने आज शोखी मार के एक शर्ट पहन ली है, बाकी इनकी कबर्ड में चले गई है और मुझे बताया भी, इनको मैंने बोला भी था कि मत निकालना। जो है ये जो है मैंने लिया है बाथ एंड बॉडी से, ये देखिए मैं आपको इसको ओपन करके एक चीज़ दिखाती हूँ, इसकी मज़े की चीज़ क्या है। ये वैसे तो बहुत एक्सपेंसिव मिलता है लेकिन मुझे जो कल इसकी बहुत अच्छी डील मिल गई और वो ये है, देखें इसमें सॉक्स हैं, सोप है, बहुत बड़ी वाली ह्यूज वाली कैंडल है और ये क्या है, ये हैंड, हाँ ये हैंड वाला जो है हैंड सोप है, ये बॉडी लोशन है और ये देखिए इस पे लिखा भी हुआ है स्ट्रेस रिलीफ और ये वाकई ही स्ट्रेस रिलीफ करता है, इसकी कैंडल की मैं लवर हूँ। और ये इसका जो है ये एसेंशियल ऑयल मिस्ट है और इसी तरह जो ये है, ये जो है ये बॉडी वॉश है, तो इतनी सारी चीज़ें जो है मुझे इतने अच्छे प्राइस में मिल गई हैं और अगर मैंने किसी को गिफ्ट देना हो तो इससे अच्छा गिफ्ट मेरा ख्याल में कोई हो नहीं सकता क्योंकि आई थिंक हर औरत की जो कमज़ोरी है वो है खुशबू, फ्रेगनेंस। और दूसरा मैंने ये मैंने अपनी फ्रेंड के लिए लिया है, उसको मैंने क्रिसमस गिफ्ट देना है, उसको फ्रूटी एंड फ्लावर वाली फ्रेगरेंसेस पसंद है, ये वो है और इसको ओपन करने की
चलिए मैं कर देती हूँ आपके लिए ओपन। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें कैंडल साइज छोटा है, इसमें बॉडी लोशन है, ठीक है, और इसमें शावर जेल है, इसमें परफ्यूम भी है, वाओ, इसमें मिस्ट भी है परफ्यूम, ठीक है, और इसमें बॉडी स्प्रे भी है और हैंड वॉश भी है, लाइक इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और कल ना बाथ हैंड बॉडी का परफ्यूम पसंद आया था लुमिनस के नेम से, इतनी की ज़बरदस्त खुशबू है, इसको ट्राई करके फिर मैं इतना एक्सपेंसिव परफ्यूम की तरफ जाऊँगी, तो वो मुझे फिर हसन लेके देंगे, है ना हसन? हसन हसन की बोलती बंद हो गई है अभी फिलहाल जो है ना कुछ नहीं कह सकते। तो ये जो है मेरे ख्याल में हादिया हानिया में से किसी का एक का है, और इसी तरह ये भी मतलब शावर बॉडी वॉश है, सब हादिया का सामान है, ये मेरे बच्चों का है क्योंकि मैं और बच्चे जो है ना हम लोग सोप नहीं यूज़ करते हैं, हम लोग बॉडी वॉश यूज़ करते हैं, और स्पेशली इस क्योंकि इनकी ना जो खुशबू है ना वो आपकी बॉडी से ना जाती नहीं है, ये बात सच है। जो है हमारे घर का ऑल टाइम फेवरेट है ये लोशन है, ये भी बॉडी स्प्रे है, ये घर के लिए, ठीक है। हानिया हमारी जो है ना बहुत कहते हैं ना वो ज़िद्दी और अजीब सा बच्चा है रोंदू, तो ये हानिया ने इसका सैनिटाइजर कहाँ गया इसके अंदर से, ये हानिया ने ये परफ्यूम है, परफ्यूम और ये जी ये भी जी जिस जो मैंने बताया ल्यूमिनस जो परफ्यूम है उसी ब्रांड का, इसने उसी फ्लेवर का सैनिटाइजर लिया है, तो जी ये नए नए जो टशन होते हैं ना यहाँ के बच्चों के, ये वो टशन है, और इतनी चीज़ों के लिए ना हमें इतना कुछ स्पेंड करना पड़ता है, ये कुछ सस्ता नहीं है, अगर मैं बताऊँगी ना आपको तो शायद ये सस्ता होगा ये महंगा होगा। यहाँ पे स्टैनली की बहुत धूम मची हुई है, आप प्लीज़ सच के देखा स्टैनली है क्या ये बताइए मैं आपको क्योंकि ये यहाँ के बच्चों के टशन है, और अब मामा को भी स्टैनली जो है ना वो गिफ्ट कर दिया था मेरे हस्बैंड ने कि तुम भी जॉब पे लेके जाया करो, वहाँ पे हमें मिली है $125 की, लाइक डेढ़ सेंट की, डेढ़ डॉलर की, तो अच्छी बात है। ये हानिया की चार्म ब्रेसलेट है, इसमें ऑलिव बना हुआ है, ये हानिया का क्या है, ये स्टाइलिस्ट है, पेन का काम भी करता है और स्टाइलिस्ट का काम भी करता है, जबरदस्त क्वालिटी है, और सिर्फ $2 का ये, और कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये बैड क्वालिटी है, ये कुछ इंतहाई अच्छी फिनिशिंग है इसमें, एक ही है लेकिन ज़्यादातर मैं ऐसे अपनी चीज़ें जो है ना वो हाथ देखकर शेयर करती हूँ, हाथिया बहुत केयरलेस है तो इस तरह की चीज़ें मैं शेयर कर लेती हूँ जो दूसरी ब्रांड मुझे वो नहीं मैं करती। एक देखिए देखिए कितनी इसमें फिनिशिंग आ रही है, एक ये लिया था मैंने, देखिए पर्ल्स एंड हार्ट बना हुआ है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, स्पेशल के स्ट्रिंग्स ये काली नहीं होगी, एक मैंने ये ली है अपने लिए, ये जो होता है जी मुँह को टाइट करने के लिए ये हाथिया ने लिया है, ये इससे हादे ने अपना मुंह धोना है, यह है क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है जॉब की जी, हमने क्रिसमस इयर रिंग्स पहनने हैं पूरा हफ्ता, तो इसके एक तरफ है जी लाइट पिंक और एक तरफ है जी लाइट सिल्वर, ये टू कलर्स में टू साइडेड लिप ग्लॉस है, कितनी ज़बरदस्त फिनिशिंग है इसमें, और ये भी जो है मैंने और हादिया ने इकट्ठे नहीं होते, ये भी मैं हादिया से शेयर कर लूँगी क्योंकि ये तो जी हुरम का है, मैंने वो कल दिखाया था कि हुरम को स्पेशली वहाँ पे एक औरत थी उसने हुरम को एज अ गिफ्ट दिया कि हुरम आप मुझे बहुत प्यारी लगी हो, तो ये आपके लिए है, और ये देखें जी ये मज़े मज़े के डिस्को डिस्कोस में होते हैं, और देखें कैसा लग रहा है, ब्रेसलेट है, चार्म ब्रेसलेट है, और ये क्या है जी, ये कोई चांद तारा है, चांद तारे अच्छा चांद पे कैट्स बैठी हुई है जी, मैं तारा बना रही हूँ, ये जो है जी बाथ बॉम्ब है जी, बाथ बॉम्ब नहीं बैथ बॉम्ब बात ये ब्लास्ट करता है जिसकी बॉडी बहुत गंदी होती है ना उसको ऐसे करके खत्म कर देता है मेरे हस्बैंड का जो मुंह है ना कि मैं फैन हूँ लिमिटेड एडिशन की, और वो सिर्फ इसी मंथ में आता है, और वो है जी है। ये आप कह रहे होंगे क्या है ये रेसिस क्या है, चॉकलेट है राइट, ये चॉकलेट है, यस ये चॉकलेट है, तो मैं अब आपको इसकी लुक दिखाती हूँ, ये देखें जी उफ अल्लाह, कलर्स दिखाएं ऐसे जरा क्लोजअप करके, इतने के खूबसूरत कलर है, इतने पिगमेंटेड है, किसेस के नेम से ये इन्होंने पैलेट निकाला है, इसमें तीन पैलेट है, सिल्वर पर्पल एंड गोल्डन, तो जो गोल्डन और सिल्वर रह गया वो मैं इंशाल्लाह कल लेके आऊँगी, और ये देखें जी ओए 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 ओए
कितना के हसीन कलर है, इतने पिगमेंटेड है, कितने मजे की चीज है। कोई कह सकता है कि ये मेकअप पैलेट है? एज आप क्लच भी यूज कर सकते हैं लाइक दिस। ये देखें, ये इनके गंध है, मेरे बच्चों का गंध है। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये तो जो जिनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पाइसेस खाने की आदत ना, ये उनके लिए है। ये मेरे ख्याल में लोगों को पता ही होगा, ये वायरल है टिकटॉक पे वैसे भी बहुत ज़्यादा। तो ये था जी हमारी आज की और कल की छोटी सी थोड़ी सी शॉपिंग, और उम्मीद करते हैं आज का हमारा सरप्राइज आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो क्या कहते हैं, मैंने आपके साथ आज का दिन भी शेयर किया कि हम लोगों ने कैसे मनाया, क्योंकि एक्चुअली ये प्लान नहीं था। सुबह ही अम्मी का फ़ोन आया कि जी हम लोगों ने रात को खाना खाने जाना है, तो हमने कहा जब कोई खाने पे बुलाए और मुफ्त में खिलाए तो क्यों ना जाए, है ना। तो हमने कहा चलो जी रेडी होते हैं, सारे काम छोड़ते हैं और चलते हैं। तो आप भी मुझे बताइए क्या मुझे ये बालों का कलर सूट कर रहा है, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके चेहरे पे जब एकदम से नया कलर आए तो आपको उसको टाइम लगता है ज़रा सूट करने में खुद अपनी आँखों को। तो हसन को तो पसंद आ गया है, हसन ने तो पास कर दिया। तो बाकी उम्मीद करती हूँ आज का हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अल्लाह हाफिज़।